भाइयों और बहनों, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल इस देश पर उन्होंने प्रधानमंत्री पद के रूप में राज किया। उन्होंने संसद में कहा था, खड़े होकर कहा था, उसकी वीडियो क्लिपिंग अवेलेबल है। उन्होंने कहा था कि हमें बांग्लादेश से आए उन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिनका अपनी आस्था की वजह से वहां पर उत्पीड़न हो रहा हो, जो वहां से भाग करके भारत आ रहे हैं। बताइए भाई, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा, अगर वो मोदी करता है तो मोदी गुनहगार बन जाता है क्या? मोदी किसी का दुश्मन बन जाता है क्या? मोदी किसी का बुरा करने के लिए सोचता है क्या? इतना ही नहीं, एक दौर था जब असम के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता तरुण गोगोई 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी चिट्ठियां लिखा करते थे। असम कांग्रेस प्रस्ताव पास करती थी कि जिन लोगों पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, जो वहां से यहां आ रहे हैं, उनकी मदद की जाए। ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री की बातें हैं, ये कांग्रेस पार्टी के प्रस्तावों की बातें हैं। एक समय था जब राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अशोक गहलोत, अभी फिर से भी वो मुख्यमंत्री हैं। वो पहले जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी के लिए बातें कही थी। वो तो सरकार से मांग करते थे, ये मैं गहलोत जो कांग्रेस के यहां पर बड़े प्रिय नेता हैं, यहां एक परिवार के, और पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और पहले जब मुख्यमंत्री थे तब वो मांग करते थे कि जो हिंदू या सिख पाकिस्तान से भागकर यहां आए हैं उनकी स्थिति सुधारे जाए। लेकिन ये रातों रात बदल गए, वोट बैंक का खतरा लगने लगा, वो सारी हमदर्दी मेहरान हो आज उनके पेट का दर्द बन गई है। जो कल तक हमदर्दी थी वो खुद के लिए दर्द क्यों बन गई? साथियों, आज दीदी, ममता दीदी, अब देखो भाई खैर, ममता दीदी सीधी सीधी दीदी सीधी कोलकाता से यूएनओ पहुंच गई, संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंच गई। लेकिन कुछ साल पहले तक यही ममता दीदी संसद में खड़े होकर गुहार लगा रही थी कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोका जाए, वहां से आए पीड़ित शरणार्थियों की मदद की जाए। संसद के अंदर स्पीकर के सामने कागज फेंकती थी बांग्लादेशियों के खिलाफ। दीदी, दीदी अब आपको क्या हो गया? आप क्यों बदल गई? आप क्यों अफवाह फैला रही हो? अरे चुनाव आते हैं जाते हैं, सत्ता मिलती है चली जाती है, इतनी डरी क्यों हो? अरे बंगाल की जनता पे भरोसा करो,
बंगाल की जनता से आपका विश्वास क्यों उठ गया है? बंगाल के नागरिकों को आपने दुश्मन क्यों मान लिया है? आपको याद होगा, कुछ साल पहले कोलकाता के बाहर रेगुलर आर्मी का काम होता है देश के अलग अलग भागों में, उनकी एक ड्रिल होती है, वो ट्रैफिक की क्या स्थिति है, कभी परिस्थिति पैदा हुई और आर्मी को मूव करना पड़े तो रोड ट्रैफिक, ये सारा वो रेगुलर उनका ड्रिल होता है। वो एक बार बंगाल में कर रहे थे, दीदी ने तूफान खड़ा कर दिया कि मोदी की सेना बंगाल पे आ गई है, क्या हो गया है रे भाइयों बहनों। आज वो नागरिकता कानून पे सवाल उठा रही है। खैर, आपकी दिक्कत समझ में आती है, यहां बैठे हुए लोग भी समझते हैं, आप किसका विरोध और किसका समर्थन कर रही हो ये पूरा हिंदुस्तान भली भांति देख रहा है। साथियों, आज जिस वामपंथ को भारत की जनता नकार चुकी है, जो अब दुनिया में से सिकुड़ते सिकुड़ते कुछ कोने में रह गए हैं, जो अब समाप्ति पर है, उसी के दिग्गज ये भी जरा देख लीजिए, ये कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज, उनके नेता प्रकाश कारंत जी ने कहा था कि धार्मिक उत्पीड़न की वजह से बांग्लादेश से आने वालों को मदद की बात उन्होंने भी की थी। आज जब इन्हीं लोगों के राजनीतिक दल धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता देने से मना कर रहे हैं, तो इनका असली चेहरा भी देश के लोगों के सामने आ रहा है। उस समय की हमदर्दी सिर्फ और सिर्फ बहाना था, वोट बैंक की राजनीति थी, देश की जनता के साथ बोला गया सफेद झूठ था, पक्का झूठ था। सच्चाई यही है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं। अपने इसी वोट बैंक के लिए ये राजनीतिक दल लगातार लोगों को भड़का रहे, अफवाहें फैला रहे, नई नई अफवाहें गढ़ रहे हैं। एक टीवी वाले को तो उसके एक महाशय ने हिसाब लगा दिया कि एनआरसी में कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा कहां जाएगा, देश के कितने स्कूल। अरे जो है ही नहीं, ये दिमाग खाए खपा रहे हो रे, क्यों लोगों को अफवाह फैला के मूर्ख बना रहे हो। यहां दिल्ली के लोग तो देख चुके हैं कि कैसे बस जलाने के मामले में एक नाता अफवाह फैलाने का काम किया, दिल्ली पुलिस तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। भाइयों और बहनों, ये ऐसे लोग हैं जिनको ये भी जरा समझ लो, देश का पढ़ा लिखा नौजवान मेरी इन बातों को जब सुनेगा और जो मैं बातें करता हूं उनकी जांच पड़ताल करेगा, तो आज जो अफवाहें फैलाई हैं, जो भ्रम फैलाया गया है, उसके खिलाफ देश का नौजवान भी खड़ा हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये लोग, मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं, ये ऐसे लोग हैं जिनको जम्मू कश्मीर की विधानसभा में महिला और पुरुष के आधार पर बने स्थायी निवासी कानून से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता का रास्ता आसान हो, इससे इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज जो पार्टियां यहां शोर मचा रही हैं, 2004 में
कहां थी जब वहां की सरकार ने कहा कि राज्य से बाहर के निवासी से शादी करने पर जम्मू कश्मीर की बेटियों की वहां की नागरिकता खत्म हो जाएगी? तब तुम कहां थे? क्या वो भेदभाव भारत के संविधान की स्पिरिट के अनुसार था?